सबके सामने ईशान को सभी के पास देखकर रीवा को होगी जलन और फिर वो दिखाएगी अपना असली रूप। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा जहां ईशान ने सभी का इस कदर हाथ थामा है। जब वो डर रही थी तो उसे अपना प्यार दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ रीवा जो है वो इनके बीच में विलन बनकर आएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोमो सामने आया था। प्रोमो में हमने क्लियरली देखा किस तरह से ईशान जो है वो बहुत अच्छे से सभी को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी ने एक गंदा सा सपना देखा है। वो देखती है कि सैम जो है वो उसके परिवार को बंदूक से मार रहा है, जहां भवानी, वीनू सबकी डेथ हो गई है। तो वहीं पर सभी जो है वो बोलती है मुझे अकेले नहीं रहना, लेकिन ईशान उसका हाथ थाम लेता है और कहता है तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं रीवा ने ये बातें सुन ली है, लेकिन आपको बता दें आज के ट्रैक में दिखाया जाएगा कि रीवा जो है वो सभी की वजह से ही कॉलेज में एंट्री लेने वाली है। जी हाँ, लेकिन सभी को क्या पता कि ये रीवा आगे जाकर उसी की दुश्मन बन जाएगी, जिसकी वो आज इतनी ज्यादा हेल्प कर रही है। लेकिन हमने वो भी देखा किस तरह से रीवा जो है वो चाहती थी कॉलेज में घुसना, लेकिन ईशान ने मना किया था सबको, इसलिए रीवा जो है कॉलेज में घुस नहीं पाई। अब ये सारी चीजें तो हो गई, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा किस तरह भवानी और जो भाई बाकी लोग हैं वो सभी पर उल्टा खूब सुनाते हैं। सभी इन चीजों से ऑलरेडी परेशान है, लेकिन फिर भी उसने रीवा को संभाला, लेकिन रीवा अब उसी की दुश्मन बनने वाली है। वाल आपका क्या कहना है सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर कमेंट करके बताइएगा जरूर। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।